हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिखिका सर्विस। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं हेड मसाजर, जो सिंपल एक पाइप और मोटर से मदद से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एक 25 mm का PVC पाइप, एक DC मोटर। इसका सॉकेट में डालने से मोटर अच्छी तरह फिटिंग हो रहा है। इसके बाद चाहिए हम लोग को GI वायर। इसका वायर का साइज़ है 17 नंबर का वायर है ये। तकरीबन 1 फीट का हम लोग 4 पीस काट के निकाल लेंगे। तो हम लोग का 4 पीस रेडी हो चुका है। मोटर को पावर देने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे AA बैटरी। 2 बैटरी को ऐसे रख के हम लोग अंदाजे से एक मार्किंग लगाएंगे और पाइप को कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पाइप मैंने कट कर लिया है। पाइप के साइज़ के हिसाब से मैंने PVC शीट राउंड शेप में कट कर लिया है। देखिए इस साइज़ का होगा। पाइप में पहले एक मार्किंग लगाइए, फिर दोनों बैटरी रख के थोड़ा सा गैप छोड़ के दूसरा मार्किंग लगाइए। उसके बाद यहाँ से यहाँ मार्किंग लगाइए। इस पार्ट को काट के निकालना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। तो बैटरी डाल के देखते एक बार, तो हम लोग का सही साइज़ का हुआ है ये। यहाँ पे मैंने टूटा हुआ एक बल्ब फुल्डा लिया है और इसको खोल के निकाल लेंगे। इस वायर कनेक्टर को हम लोग यूज़ करेंगे। वायर कनेक्टर को मोटर के शाफ्ट में कुछ इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देंगे। इसी से हम लोग का मोटर का वाइब्रेशन होगा। थोड़ा शोल्डरिंग भी कर दीजिए, अच्छा होगा। तो मोटर में पहले से मैंने 2 वायर शोल्डरिंग कर दिया है। तो तार को ऐसे डाल के मोटर को अच्छी तरह अंदर की तरफ ढकेल दीजिए टाइट करके। कुछ इस तरह से देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग बाद में ग्लू से चिपका देंगे। तो राउंड कटा हुआ शीट को मैंने साइड से कट कर लिया है, क्योंकि यहाँ से तार जाना है। तो यहाँ पे डाल के इस तरह से हम लोग को राउंड शीट को फिटिंग करना है। अभी थोड़ा ग्लू डाल के इसको चिपका देंगे। कुछ इस तरह का बैटरी कनेक्टर यूज़ करेंगे। ये आसानी से आपको पुराने घर ही या पुराने रिमोट से आसानी से मिल जाएगा। कनेक्टर को यहाँ पे रख के वायर को शोल्डरिंग करके ग्लू से चिपका देंगे। ऐसा 2 पाइप का पीस लेना है और बीच से कट करना है। उसके बाद इसको यहाँ पे हम लोग ग्लू से चिपका देंगे। दूसरा वाला पीस को हम लोग बाद में यहाँ चिपकाएंगे। चलिए बैटरी डाल के देखते हैं। इससे क्या होगा कि मोटर जब वाइब्रेशन करेगा बैटरी निकलेगा नहीं। दूसरा वाला राउंड शीट को हम लोग पीछे की तरफ कुछ इस तरह से चिपका देंगे। तो दूसरा वाला बैटरी कनेक्टर में भी मैंने वायर शोल्डरिंग कर दिया है। इस वायर को इधर से डाल के पीछे की तरफ निकाल के इस कनेक्टर को भी ग्लू से चिपका देंगे। तो देखिए चिपक गया है। चलिए बैटरी डाल के देखते हैं कैसा हुआ है। तो आसानी से हम लोग का बैटरी फिटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ऑन ऑफ स्विच यूज करेंगे। मैंने राउंड शीट को पहले से होल करके रखा हूँ। तो यहाँ पे इसको ग्लू से चिपका देंगे।
स्विच में दोनों वायर को सोल्डरिंग करके इस पीछे वाले राउंड शीट को भी चिपका देंगे। तो बैटरी फिटिंग कर दिया हूँ, दूसरा बैटरी में मैं एक रिंग लगा दिया हूँ। तो अभी इस कवर को कुछ इस तरह से स्क्रू डाल के फिटिंग कर देंगे। तो बैटरी कवर लगने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सैंड पेपर से साफ कर देते हैं। तो पाइप के फ्रंट साइड में हम लोग टोटल 8 छेद करेंगे, एक के ऑपोजिट एक। तो चारों GI वायर को हम लोग इस होल से कुछ इस तरह से डाल देंगे, बीचों बीच रखना है ऐसे। फिर से हमको होल करना है एक इधर। दूसरा इसका ऑपोजिट साइड। तो इसी तरह से आप लोग एक के ऑपोजिट एक होल करके चारों वायर को डाल दीजिए। तो सारे वायर को डाल के मैंने ग्लू गन से इसको चिपका दिया है। अभी सभी के सर पे सोल्डरिंग आयरन की मदद से थोड़ा बॉल जैसा बना देंगे। तो शोल्डरिंग हो चुका है सभी का सर पे, बॉल जैसा हो गया। चलिए इसे ट्राई करते हैं थोड़ा। तो देखिए कितना सुंदर वाइब्रेशन हो रहा है पानी में, पानी देखने से पता चल रहा है। तो हम लोग का मसाजर बनकर रेडी हो चुका है। थोड़ा मैंने इसको कलर कर दिया है सुंदर येलो और ब्लैक में। तो इसका पीछे स्विच है और यहाँ से हम लोग बैटरी केस को खोल के बैटरी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार यूज करके देखते हैं कैसा लगता है। वाह, सुन पा रहे मैं बेहन का आवाज। तो चलिए सीखे एक बार लगा के देखते हैं दोस्तों। क्या बोलूँ, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया, एकदम नींद आ रहा है। फुल्ली रिलैक्स एकदम। तो आप भी बनाइए इस मसाजर को। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।